हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 3 यानी रेशों से वस्त्र तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है भेड़ के बालों से, याक के बालों से, अंगोरा बकरी के बालों से या उपर्युक्त सभी। ऊन कुछ विशेष जंतुओं के शरीर से प्राप्त किए जाते हैं। इन सभी जंतुओं के शरीर में उगने वाले बालों को काटकर ऊन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि भेड़, याक, अंगोरा बकरी इत्यादि। अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। वास्तव में ऊन भेड़ के बालों से, याक के बालों से या फिर अंगोरा बकरी के बालों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ऊन, रेशम, कपास या पॉलिस्टर। ऊन कुछ विशेष जंतुओं के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु कपास पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि पॉलिस्टर मानव निर्मित रेशा है, यानी पौधों से प्राप्त किए जाने वाला रेशा है कपास। और देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है रेशे कहां से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास है पौधों से, जंतुओं से, मनुष्यों द्वारा निर्मित किए जाते हैं या उपर्युक्त सभी। कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कपास के रेशे, जबकि कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि ऊन, रेशम इत्यादि, जबकि कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा खुद निर्माण किए जाते हैं, जिन्हें मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। अर्थात रेशे उपर्युक्त सभी स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है स्वेटर, पश्मीना शालें, साड़ी या चटाई। कश्मीरी बकरी के शरीर में मुलायम बाल होते हैं। इन सभी बालों को काटकर बेहतरीन शालें बनाए जाते हैं। इस प्रकार की शालों को पश्मीना शालें कहा जाता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लामा और एल्पेका प्रमुख रूप से कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है भारत में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में या दक्षिण अमेरिका में। लामा और एल्पेका प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इन सभी जंतुओं के शरीर में जो बाल पाए जाते हैं, इन सभी बालों को काटकर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरी कहां पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, गुजरात में, तिब्बत में या लद्दाख में। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। यह बकरी की नस्ल जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी शालें बेहतरीन शालें हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है, कश्मीरी शालें, मुलायम शालें, पश्मीना शालें या उपर्युक्त सभी। कश्मीरी बकरी के शरीर में मुलायम बाल पाए जाते हैं। इन सभी बालों को उतारकर उनसे जो शालें बनाए जाते हैं वह बेहतरीन शालें होती हैं, और इस प्रकार के शालों को पश्मीना शालें कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। भेड़ होते हैं। ऑप्शन हमारे पास है शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। भेड़ शाकाहारी होते हैं जो घास, पत्तियां एवं अनाज खाते हैं। सामान्यतः भेड़ों के बालों को काटा जाता है।
ऑप्शन है गर्मियों में, सर्दियों में, वर्षा के मौसम में या वसंत ऋतु में। भेड़ों के शरीर में बालों का एक मोटा आवरण पाया जाता है जो भेड़ों को सर्दी से बचाता है। इस प्रकार के बालों का आवरण भेड़ को ठंड लगने नहीं देता है, इसलिए भेड़ों के शरीर से बालों को गर्मियों के मौसम में काटा जाता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। ऑप्शन दिया गया है आम, साल, शहतूत या अमरूद। रेशम कीट का पालन शहतूत के वृक्षों पर किया जाता है। रेशम कीट के अंडे से जो कैटरपिलर निकलते हैं ये शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं। यानी सही जवाब होगा कि रेशम कीट शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। सेरिकल्चर क्या है? ऑप्शन क्या है भेड़ पालन, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन। रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। रेशम कीटों के पालन को रेशम कीट पालन या फिर सेरिकल्चर कहा जाता है। यानी सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है रेशम की खोज कहां पर हुई थी। ऑप्शन दिया गया है भारत में, चीन में, अमेरिका में या मलेशिया में। सर्वप्रथम रेशम की खोज चीन में हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मूंगा, मैसूर, टसर या कोसा। रेशम कीट के अनेक सारे नस्ल पाए जाते हैं। इस प्रकार के विभिन्न नस्लों से जो रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी रेशम का प्रकार विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि मूंगा रेशम, टसर रेशम, कोसा रेशम इत्यादि। परंतु मैसूर नाम का कोई भी रेशम का प्रकार नहीं होता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सा जांतव रेशा नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है रेशम, कपास, ऊन या टसर। सबसे पहले हमें समझना होगा जांतव रेशा क्या है। ऐसा रेशा जो जंतुओं से प्राप्त होता है जांतव रेशा कहलाता है। रेशम एक ऐसा रेशा है जो रेशम कीट से यानी जंतु से प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऊन भी जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। टसर रेशम का एक प्रकार है जो रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। परंतु कपास एक ऐसा रेशा है जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कपास जंतुओं से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, इसलिए कपास जांतव रेशा नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऊन उतारने के बाद का प्रक्रम क्या है। ऑप्शन हमारे पास है अभिमार्जन, रिलिंग, रंगाई या छटाई। ऊन प्राप्त करने के लिए जंतुओं के शरीर में उपस्थित बालों को काटा जाता है और उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। जब जंतुओं के शरीर से बालों को काटा जाता है तो इसे ऊन उतारना कहा जाता है। जब ऊन को उतार लिया जाता है उसके बाद इन सभी बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहलाता है। यानी ऊन उतारने के बाद का जो प्रक्रम है उसे अभिमार्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है याक कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, आसाम में, गुजरात में या तिब्बत और लद्दाख में। याक के शरीर से बालों को उतारकर ऊन बनाए जाते हैं और याक तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। रेशम का रेशा किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन है सेलुलोज का, प्रोटीन का, वसा का या कार्बोहाइड्रेट का। रेशम का रेशा प्रोटीन का बना होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से कौन से जंतु से ऊन प्राप्त नहीं होता है।
ऑप्शन दिया गया है याक, ऊंट, बकरी या कुत्ता। इन चार ऑप्शन में से कुत्ता से कोई ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।